नमस्ते दोस्तों, आज हमने बनाया है एक नाल का, जो कि एक डोला की डोरी और नाल दोनों सही डोला का, उसका ही हमने बैग बनाया है। और इस बैग को इसमें हम रखेंगे, और ये बहुत ही नाजुक बाजे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एक म्यूजिशियन की जान होती है। और इसको हम इसके लिए एक अच्छा सा होल्डिंग कवर बनाए हैं, और इसमें हम ज़रा इसके मेकिंग और इसको अच्छे से जानते हैं कि इसमें क्या चीज़ खूबियाँ हैं और क्या अच्छा है इसमें। तो इसको ज़रा साइड करते हैं और इसको हम दिखाते हैं। पहले बाहर से देख लीजिए, ये बाहर से यहाँ तक, यहाँ से पूरा यहाँ तक ये पूरी चैन लगाई गई है। ये चैन है और इसको हम अब खोलेंगे, और ये हमारा बैग है। ये हमारा अंदर से, ये नीचे पूरा लकड़ी लगाया गया है, लकड़ी के नीचे अस्तर लगाया गया है, फिर फोम लगाया गया है, और ये इसका बाहरी परत है इसमें, जिसमें कि पैंट के कपड़े से चारों तरफ से इसमें मोल्डिंग की गई है। और उसके बाद ये चैन दिया गया है अंदर, और चैन के अंदर भी इसमें फोम लगाया जाता है, अच्छी क्वालिटी का फोम फाइबर, ताकि ये मतलब सख्त बना रहे, ताकि आराम से एकदम स्मूथली इसमें नाल रखा जा सके। और नाल में सामने फ्रंट पे पॉकेट दी जाती है, जिसमें अपना पाउडर हो गया, हथौड़ी हो गया, और भी अपना ज़रूरी का सामान इसमें रख सकते हैं। ये छोटी पॉकेटें हो जाती है, ये इससे मिडिल पॉकेट, और जैसे डायरी वगैरह है तो ये लार्ज पॉकेट, ये हो गई बड़ी वाली। और इसका हम बेस अगर देखें तो बेस पे ही सारा बैग टिका होता है। किसी भी चीज़ को ज़्यादा मजबूती देने के लिए उसका बेस बहुत मायने रखता है। इस बेस में जगह जगह पे गुटका लगाया गया, ताकि ये कपड़ा अंदर से धंसे ना और घिसे ना, इसलिए पूरा बेस लगाया गया है। 750 इसमें जो बेस है वो स्टील टफ कपड़ा है, और उसके बाद इसमें जो अंदर से दिया जाता है ये पूरा कैनवास दिया जाता है, और कैनवास भी पूरा अच्छे से मारा जाता है। इसमें नायलोन आपको मिलेगा, लेकिन नायलोन के ऊपर भी आपको इसी कपड़े को मारा हुआ मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नायलोन है, अंदर से ये नायलोन, ऊपर से ये कपड़ा मारा हुआ, और इसमें ये पुशक्लिफ दी गई है, और उसमें देखिए किनारे पे हल्की सी बारीक इसी कपड़े को मड़ के लगा दिया गया इसके ऊपर, ताकि इसकी खूबसूरती और अच्छी हो जाए और मजबूती और बेहतरीन हो जाए। और इसमें पीछे से भी शोल्डर दिया गया, हम इसको कंधे पे भी ले सकते हैं। और इसको हम जरा रखते हैं, रख के देखते हैं कि कैसा बैठ रहा है, एक बार में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ये हमारा नाल है, और इसको आराम से ऐसे रखेंगे एक बार में। ये हमारा नाल हो गया, ये हमारा नाल अच्छे से बैठ चुका है। और इसको हम कवर करने के लिए बहुत ही आसानी से इसको ऐसे गिरा लेंगे, ऊपर से नीचे कर लेंगे आराम से। इसमें चैन है, चैन को खींच के हम बंद कर लेंगे, ये हमारी चैन हो गई। और इसके बाद ये पुशक्लिफ दी गई है, इस पुशक्लिफ को हम बंद कर लेंगे, ये हमारी पुशक्लिफ हो गई। ये पुशक्लिफ का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बैग में, ताकि ये चैन पे इसका वजन जो है ना वो पड़ता नहीं है, और ये पुशक्लिफ पे ही सारा भार आ जाता है, और जिससे शोल्डर भी ज़्यादा लाइफ इसकी लॉन्ग रहती है। ये हमारा पुशक्लिफ हो गया, ये सामने से हमारा बैग हो गया, ये पीछे से हो गया। और इसको ज़रा हम टांग के देखते हैं, इसमें दिया गया चेस्ट हुक, ये चेस्ट हुक, और ये पीछे का हमारा। धन्यवाद।